बाबा साहब का नाम सुनते ही वॉकआउट कर गए। बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते, बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनते ही सुन तो लो। और ये सब कुछ जो इन्होंने बोला वो सच बोला? सुन तो लो अध्यक्ष महोदय, मेरे को पता नहीं था ये लोग बाबा साहब अंबेडकर, ये बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह से ऐसी नफरत क्यों करते हैं सारे प्रतिपक्ष के लोग? मैं आपको बताता हूं क्यों करते हैं, और खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूं। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी की तस्वीरें सभी दिल्ली सरकार के दफ्तरों में लगाई जाएंगी। कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि पंजाब सरकार के भी सभी दफ्तरों में भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगाई जाएंगी। जब से ये ऐलान किया गया है, मैं तो सोच रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी इसके ऊपर हमें बधाई देंगे, तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। शुक्रिया। लेकिन जब से ये ऐलान किया है कि इतना, यहाँ तो कहने के लिए कह दिया बाहर, एक मिनट मेरे को पूरा, हमें इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की क्यों लगाई, सावरकर की क्यों नहीं लगाई, हेडगेवार की क्यों नहीं लगाई? तो मैं कह रहा हूँ भाई, सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो। अब देखो जो बोल रहे थे उस पे तो किसी ने टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा भाई सावरकर की बोल रहे हैं, सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो, हम बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की लगा लो। कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं इंदिरा गांधी की क्यों नहीं लगाई, राजीव गांधी की क्यों नहीं लगाई, सोनिया गांधी की क्यों नहीं लगाई? तो हम कह रहे हैं भाई इंदिरा गांधी की तुम लगा लो, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे को पता नहीं था ये लोग बाबा साहब अंबेडकर, ये बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह से ऐसी नफरत क्यों करते हैं सारे प्रतिपक्ष के लोग? मैं आपको बताता हूं क्यों करते हैं, और खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूं आपको। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। सुन के चले जाना। बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनते ही वॉकआउट कर गए। अब ये सब कुछ जो इन्होंने बोला वो सच बोला? सुन तो लो। बाबा साहब अंबेडकर ने, सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अंबेडकर ने, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। नहीं, ये कोई तरीका, सत्य कौन बोल रहा था? सत्य क्या बिजुड़ी जी ने बोला सब? आप बैठ जाइए। अब बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, संविधान में लिखा उन्होंने कि भारत के अंदर जनतंत्र होगा, इस जनतंत्र के अंदर चुनाव होंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी, वोट डाल के जनता अपनी सरकार चुनेगी, वो सरकार लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगी। बीजेपी को यह पसंद नहीं है, बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव होने ही नहीं चाहिए, चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से, चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए, गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर।
एनसीडी का और बीजेपी वालों का शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे, 9 तारीख को, 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर से। ये कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर।